नमस्कार, कैसे हैं। मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने, और स्वागत करता हूं यूपीपीसीएस के लिए खास तौर से बनाए गए करंट अफेयर्स। ये यूपीपीसीएस कह लीजिए या जितनी भी पीसीएस की परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए उत्कृष्ट करंट अफेयर्स आने वाली सभी परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी। दिन नंबर है 2, करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग डेली। आपको एक बड़े विषय के ऊपर पूरा करंट अफेयर मिलेगा और वो आज एक जो विषय है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा के हिसाब से, और जो पिछले वर्ष भी आप लोगों ने जो कई परीक्षाएं हुई हैं उच्च स्तर की उसमें इस विषय से क्वेश्चन देखे हैं, और वो है जल संरक्षण के ऊपर, मतलब वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन जो ये मोदी गवर्नमेंट आई है, जो NDA गवर्नमेंट का दूसरा चरण आया है, इनके लिए ये भी फ्लैगशिप स्कीम के रूप में या फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में सामने आ रहा है। जैसे कि पहले फेज़ में पहली 14 से लेकर 2019 तक जो सरकार का लक्ष्य था वो सैनिटेशन की ओर था, तो इस बार सरकार का लक्ष्य है लोगों तक पानी पहुंचाना। तो जल संरक्षण और साफ पीने का पानी लोगों तक पहुंचे की इनका टारगेट है, ठीक है। और इसके ऊपर से क्वेश्चन देखिए 2019 में भी आया था और आगे भी आने की कोशिश है, तो इस पूरे टॉपिक को खंगालते हैं और देखते हैं। जल संरक्षण मतलब वाटर कंजर्वेशन, और भारत में जल की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम लोग देखें तो दुनिया की 18% आबादी है हम लोग, और करीब 4.5% के आसपास हम पूरे विश्व में जो वर्षण होता है ना उसके आस वो हम ग्रहण कर पाते हैं। तो वैसे ही ईश्वर का प्रकोप हमारे पे थोड़ा ज़्यादा है औरों के मुकाबले, हम वाटर डेफिशिएंट शुरू से हैं। अगर आप 2017 की है ना ग्राउंड वाटर रिपोर्ट देखें भारत सरकार की, तो उसमें बताया गया है कि करीब हमारे जो 2020 तक 21 जो राज्य हैं वो बिल्कुल उनका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो गड़बड़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, एक बात। उसके बाद हमारे करीब 122 डिस्ट्रिक्ट अब इस वर्तमान में बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और जिसके कई कारण हैं। अब भूमिगत जल लगभग ख़त्म हो गया है, जिसके कारण पीने के पानी की समस्या से लेकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों की समस्या और सर्वाइवल की कहानी की समस्या आ गई है कृषि को लेकर भी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसको देखते हैं कि भारत सरकार कितनी सीरियस है इसको लेके और इसने क्या क्या चीज़ें की हैं। सरकार बनते ही आपको पता है मई जून में सरकार बनी, तो जुलाई में भारत सरकार ने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया है ना, जल शक्ति अभियान, आप लोगों को पता होगा जल शक्ति अभियान, नल से जल है ना, नल से जल मतलब। और टारगेट भी सेट कर दिया कि 2024 तक हर व्यक्ति को भारत सरकार के मतलब भारत के हर व्यक्ति को नल से पाइप्ड वाटर सप्लाई दी जाएगी पीने योग्य, ठीक है, पीने योग्य पानी दी जाए, और ये लक्ष्य रखा गया है इस बार के लिए। अब इसमें देखिए सबसे पहले काम क्या किया गया, इसमें 3 मंत्रालय को मर्ज किया गया है ना, 3 बड़े मंत्रालय को मर्ज किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें जो भी खास तौर से अलग अलग राज्यों में बड़ी बड़ी स्कीम्स चल रही है पानी की वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो यहीं से सारा खत्म हो जाएगा। एक तो मतलब कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन मंत्रालय, इसके बाद रिवर वाटर एंड गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री। इसी पॉइंट से क्वेश्चन आया था पीसीएस में इस बार को, तो रिवर मतलब कि नदी जल और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, 3 मंत्रालय थे, इन सबको मिला के एक नया मंत्रालय तैयार कर दिया गया है, और उसको जल मंत्रालय का नाम दिया गया, सीधे सीधे सिंपल भाषा में अगर देख ले, ठीक है। तो पहला काम तो यह क्या, मतलब की टारगेट क्या है, तो जल मंत्रालय में सारी चीज़ें अब एक हेड में ला दी गई हैं, और इसका लक्ष्य रखा गया है कि एक जो बड़ा इसके तहत एक कैंपेन चलाया गया है जल शक्ति अभियान, अभियान ठीक है, जो 2024 तक पाइप्ड वाटर देगा भाई हर व्यक्ति को, ये इस मंत्रालय का प्राइम लक्ष्य होगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत जल का संरक्षण किया जाएगा, पानी को बचाया जाएगा, पानी का सही यूज़ किया जाएगा, मतलब अच्छा यूज़ किया जाएगा, ऑप्टिमम यूज़ किया जाएगा, जैसे पानी वेस्टेज ना हो, और रेन और किस प्रकार से वर्षा के जल का सही प्रयोग, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह डेवलप हो। अब आगे शुरू करते हैं, देखिए जो जल शक्ति अभियान है इसमें इसको 1 जुलाई को शुरू किया गया, हमारे जो जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके द्वारा ये स्कीम ये प्रोजेक्ट या अभियान ये मिशन कह लीजिए शुरू किया गया, और इसके 2 फेज निर्धारित किए गए थे। पहला फेज था 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक, और दूसरा फेज कब था, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। पहला फेज जो था इसमें सभी स्टेट्स के अंदर ये कैंपेन चलाया गया,
और दूसरे फेज में सिर्फ चार स्टेट्स, चार जगहों पे चलाएगा जहाँ पे कि लौटता हुआ मानसून जब बारिश करता है, रिट्रीटिंग मानसून जहाँ जहाँ होता है उन जगहों पे इस कैंपेन को चलाया गया उस दौरान, क्योंकि जल संरक्षण भी करना था। 3 और 4 ठीक है, इनको देख लेना, यहाँ क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान अभिनेता। कौन है? आमिर खान। ये भी क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से दो फेज में था और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि हमको जो वाटर कंजर्वेशन है उस वो करना है, जल का सही उपयोग करना है और फिर पानी का वाटर लेवल ऊपर करके घरों तक पानी पहुंचाना है, ये प्राइम टारगेट है। इसमें देखिए जो ये फेजे चलाए गए, इसमें हमें सबसे पहले क्या किया गया था इन सभी राज्यों और इसमें कि जो पिछड़े राज्य हैं, एक तो पिछड़े राज्य हैं बिल्कुल जो पिछड़े राज्य हैं हर चीज़ में, पहले उसको टारगेट में लेना है और उसके बाद ऐसे राज्य जो ग्राउंड वाटर नीचे होने की समस्या से जूझ रहे हैं उनको लेना है। टारगेट एरिया डिस्ट्रिक्ट विथ क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर लेवल, मतलब इसमें वो डिस्ट्रिक्ट शामिल किए जाएंगे जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है ग्राउंड वाटर को लेके और या जिनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, जैसे पंजाब के बहुत सारे जिले हैं हरित क्रांति का दंश झेल रहा है हरियाणा पंजाब, वाटर लेवल नीचे हो गया है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई है, पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत बढ़ गई है ना, उन जगहों को लेना है। फिर लीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर या जहाँ पे पानी मिलता ही कम है, ग्राउंड वाटर भूजल का लेवल है ही नीचे, ठीक है, इनको लेना है। इसके बाद काम क्या होगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश से आने वाले पानी को बचाया जाएगा। देखो कंक्रीट के रोड अब बनाने की जगह अब चंक्स में रोड बनाए जा रहे हैं ताकि पानी नीचे तक जाए, पानी बह के नालों में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो बारिश के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, है ना, उनकी हार्वेस्टिंग की जाए। उसके बाद रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज, जो हमारी वाटर बॉडीज है तालाब है पोखर है, उसके बाद कोई बांध है जो ख़राब हो रहे हैं तो उनको रिनोवेट करके उनको फिर से यूज़ करना जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो और उसके बाद जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके। फिर है रीयूज़ एंड रिचार्ज, मतलब कि जो वेस्ट हैं उनका रीयूज़ किया जा सके, जो वेस्ट मटेरियल है उसको ट्रीट करके, जैसे आपको पता कि बहुत सारा ऐसा जल होता है जो कि बायोलॉजिकल वेस्ट मिलने के बाद ख़राब हो जाता है, तो उसको अगर हम सीवेज, जैसे सीवेज वाटर होता है उसको अगर हम ट्रीट करके पीने योग्य भी बना सकते हैं या और अन्य कामों के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद वाटर शेड का मतलब होता है जहाँ पानी बरस रहा हो बह के कहीं और अन्यंत चला जा रहा है, उस जगहों को वाटर शेड, कोई वहाँ पे वाटर शेड लगा के सही प्रकार से जल का उपयोग करना है। ये भारत सरकार के जल शक्ति अभियान के की पॉइंट्स हैं। ये PDF मैं एम विद राकेश वाले जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें दे दूंगा, आप चाहे तो ले सकते हैं वहाँ से। फिर इंटेंसिव फॉरेस्ट्रेशन, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण, बहुत बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण किया जाए, इससे क्या होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है ना। डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट थे उनके लिए इरिगेशन प्लान बनाया गया कि किस तरह से पानी का ऑप्टिमम यूज़ किया जाए फसलों के उत्पादन में, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हर बूंद से, पानी की हर बूंद से अधिक से अधिक फसल उत्पन्न हो। आपको पता है कि भारत में जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है बहुत डेंजरस है, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के समय तो हम लोगों ने बम्पर कृषि की थी, लेकिन अब उसके दंश कैसे पहुंच रहे हैं कि जो भूमि जिस लायक नहीं है उसमें वो चीज़ भी उगाई जा रही है, मतलब भारत में जिन जगहों पे भूमिगत जल बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं, वहाँ भी ऐसी फसलें उगाई जा रही हैं जिसमें पानी की नीड ज़्यादा होती है। जैसे महाराष्ट्र देखिए, गन्ने के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, जबकि महाराष्ट्र में आप लोग देखते हैं फार्मर्स आंध्र प्रदेश में कितने लोग सुसाइड करते हैं, है ना, राजस्थान में इतने सुसाइड नहीं होते जितने वहाँ होते हैं, बिकॉज गलत पैटर्न क्रॉपिंग की वजह से। तो उसको भी रिड्यूस करना है तो हमको उन फसलों को उन जगहों से छोड़ के ऐसी फसलों के लिए प्रेरित करना होगा जहाँ कम पानी लगे, जैसे बाजरा ज्वार, है ना, इन सब चीज़ों को। ये हो गया। फिर अर्बन वेस्ट, मैंने बताया अर्बन वेस्ट का यूज़ करना है, है ना, इसमें वाटर कंजर्वेशन में। फिर रिसर्च और डेवलपमेंट करने, देश के बड़े बड़े जो संस्थान हैं जैसे IITs हो गए, IITs हो गया, उसका यूज़ करके इसके ऊपर रिसर्च करके किस प्रकार से इस वाटर कंजर्वेशन को इम्प्रूव किया जाए और पानी का ऑप्टिमम यूज़ किया जाए, पाइप पानी घर घर तक पहुँचाने में क्या क्या चीज़ें बहुत अहम है उस पर ध्यान दिया जाए, कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया जाए, इस पर ध्यान देना होगा। देखिए भारत में कुछ इम्पोर्ट, अलग अलग राज्यों में कुछ बड़ी बड़ी स्कीम चल रही है, इसी से रिलेटेड वो परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें एक स्कीम है सुजलाम सुफलाम योजना, सुजलाम सुफलाम जल योजना बहुत फेमस है, चल रही है गुजरात में। कहाँ चल रही है? गुजरात में। इसमें जो हमारी
नदी इसमें जो ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर करना है और जो वाटर बॉडीज खत्म हो गई उसको रिजुविनेट करना है, नहरों के जाल बनाने हैं इस योजना के तहत। तो किससे जुड़े हुआ है? गुजरात से। मिशन भागीरथ, मिशन भागीरथ भाई तेलंगाना की फ्लैगशिप स्कीम है, घर घर पाइप के द्वारा पानी पहुंचाना। ठीक है, तो मिशन भागीरथ किसकी है? तेलंगाना। ठीक है, ये भागीरथ भागीरथ भगवान को माना जाता है, जिन्होंने माना जाता है कि गंगा को वो जमीन पे लाए हैं। स्वजल स्कीम, स्वजल स्कीम ये भारत सरकार की है, स्वजल स्कीम भारत सरकार की है, जो कि 2018 में ये स्कीम शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत 90% जो हिस्सेदारी है भारत सरकार की है, 10% कम्युनिटी। इसमें गवर्नमेंट और कम्युनिटी का आपस में बॉन्ड बनता है और गवर्नमेंट की फंडिंग से कम्युनिटी की जो वाटर रिसोर्सेज है उनका डेवलपमेंट किया जाता है और उनको घर घर पीने योग्य पानी पहुंचाए जाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो भारत सरकार की 90% हिस्सेदारी, 10% कम्युनिटी की, स्वजल स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2017 में NRDWP का प्रोजेक्ट आया है ना, नेशनल रूरल डेवलपमेंट वाटर प्रोग्राम, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे पानी को पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रोग्राम शुरू किया गया 2017 में और इसमें 50-50% की हिस्सेदारी है स्टेट और सेंटर की। इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे पीने योग्य पानी घर घर पहुँचाए जाने का लक्ष्य है और इसी के तहत ये स्वजल योजना शुरू की गई थी। NRDWP के तहत ही स्वजल योजना शुरू की गई थी, इसको इम्प्लीमेंट करने के तहत ही, के लिए ही ये स्वजल योजना शुरू की गई थी। उसी के तहत, उसी की जैसी जल स्वावलंबन योजना चल रही है राजस्थान में भी। ठीक है, उसके बाद एक काकतीय योजना चल रही है तेलंगाना में भी, जो कि मिशन भागीरथ की जैसी ही है। तो ये कुछ स्कीम्स भी हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, और अगर इसका आपको इसके ऊपर कुछ लिखने को आ जाए तो यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।